नमस्कार, मैं अनुष्य भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भोले के भक्त, किया जलाभिषेक, दो मोटरसाइकिल समेत दो अभियुक्त हुए गिरफ्तार, 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ महिला गिरफ्तार। कांवड़ मेले के बाद सोमवती अमावस्या पर सैकड़ों लोगों ने त्रिवेणी गंगा घाट पर किया स्नान। कांवड़ मेले में तैनात पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित, मिला 3 दिन का अवकाश। हरेला पर्व पर जगह जगह किया गया वृक्षारोपण। अब खबरें विस्तार से। आज सावन का दूसरा सोमवार है, यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिवस। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में दक्षेश्वर प्रजापति मंदिर में निवास करते हैं, तो यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं और सभी मुरादें पूरी करते हैं। इसी के चलते हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी भोले के भक्तों की कतार भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी हुई है। देखो, पांडवों के टाइम पे ऐसा बताया गया था सोमवती अमावस्या आई नहीं थी और उन्हें अब कली काल में सहज सुलभ उपलब्ध है, तो इसका धर्म लाभ लेने के लिए हम लोग गंगा स्नान के लिए आए। सोमवती अमावस्या है, आज भगवान शिव का दिन है, सोमवार है, सावन का सोमवार है और बहुत बढ़िया, ये बहुत पुण्य वाला काम है। आज के दिन बहुत लाभदायक होता है, सोमवती अमावस्या है तो पितरों को भी होता है, जैसे मन की शांति के लिए भी है, हर चीज़ के लिए है। सोमवती अमावस्या साल में या एक दो बार ही आती है बस। ये देखिए सर, पवित्र महीना है सावन का, जो भोलेनाथ का महीना माना जाता है, और यहाँ पे लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से इतनी जुड़ी हुई है कि आसपास के जितने भी लोग हैं सब जल चढ़ाने आते हैं। और अभी जो हमारी कांवड़ यात्रा ख़त्म हुई है, और फिलहाल तो महीना चल ही रहा है, लगभग 3-4 करोड़ यहाँ से भोले के भक्त जो गंगा जल लेके गए हैं और अपने अपने स्थानों पर जाके उन्होंने भोलेनाथ को ये जल अर्पित किया है। बाकी इस मंदिर का इतना महत्व है कि मेरे को भी यहाँ पे आते हुए लगभग 3 से 4 साल हुए हैं, और वैसे तो पहले आते थे घर वालों के साथ में, मम्मी पापा। माना जाता है जल चढ़ाएंगे तो क्या लाभ होगा? बस यही है, भोले बाबा की ससुराल वे दक्ष मंदिर है, तो यहाँ पे जल चढ़ाने से लोगों की आस्था है कि भोले बाबा उनकी मनोकामनाएं सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। दक्षेश्वर महादेव को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत सनातनी धर्म से हैं ये लोग, बताते हैं कि पूरे सावन यहीं पे रहते हैं, इसलिए हम लोग आज 10-12 साल से हर सोमवार और हर दिन हम लोग ये दक्ष मंदिर पे आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, मेरी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते हैं। सावन के वैसे तो सभी सोमवारों का महत्व है और भगवान शंकर की ससुराल है ये दुनिया। सावन के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए भगवान शिव के ऊपर सावन के महीने में विशेष तौर से हर सोमवार को या प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो सावन का महीना है, भगवान श्री शिव का महीना है, भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार के दिन सोम अर्थात चंद्रमा मस्तक पर धारण किए हुए हैं भोलेनाथ, इसलिए उनको सोमवार के दिन गंगा भी धारण किए हुए हैं मस्तक पर, इसलिए गंगा जल। ये दो चीज़ों का विशेष महत्व है। बाकी दूध दही शहद गन्ना का रस जो भी चीज़ें भगवत भक्त अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित करना चाहे करता ही है, किंतु शास्त्रोक्त तो या साइंटिफिक तरीके से माना जाए तो श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है, भगवान भोलेनाथ जल को अति प्रिय पसंद करते हैं, भगवान शिव स्वयं मस्तक पर गंगा को धारण करके घूमते हैं, साथ में चंद्रमा को भी धारण करके घूमते हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए उनके इन दोनों व्यक्तित्वों को सम्मान देना अति आवश्यक है, इसलिए उनके मस्तक पर गंगा जल सोमवार के दिन अर्पित किया जाता है। वाहन चोरी के विरुद्ध गदरपुर थाना पुलिस की कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। Thank you.
अधीक्षक जनपद रम सिंह नगर द्वारा जनपद स्तर पर बढ़ते नशे की रोकथाम एवं इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद रम सिंह नगर के जसपुर पुलिस द्वारा गश्त के दौरान मोहल्ला नत्था सिंह निवासी लीलावती पत्नी पृथ्वी सिंह को 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री के 530 रूपए के साथ गिरफ्तार किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सोमवती अमावस्या के अवसर पर ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जो सूर्योदय के साथ बढ़ती गई। वहीं महिलाओं, बुजुर्गों सहित बच्चों ने भी बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों ने गंगा स्नान के पश्चात दान भी किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आपको बता दें कि गंगा के घाटों पर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है, साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जल पुलिस के जवान भी सभी घाटों पर तैनात रहे। कांवड़ मेला 2030 के सकुशल संपन्न होने पर रविवार की देर शाम एक वेडिंग पॉइंट में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार की उपस्थिति में जनपद देहरादून टिहरी तथा पौड़ी में कांवड़ मेला ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मियों को मेला ड्यूटी में बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके लिए 3 दिन का अवकाश भी घोषित किया गया, जिसके बाद कांवड़ मेला ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया। क्योंकि इस बार का कांवड़ मेला बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और जिस तरह से तेज बारिश लगातार आखिरी के 4-5 दिन रही और बाढ़ भी आई, उसको देखते हुए चुनौती डबल हो गई थी हमारी। हमारे सभी अधिकारियों ने और सभी जवानों ने, सभी बीच के रैंक में सभी ने बहुत मेहनत करके इस कांवड़ मेले को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया है। मैंने आज हमारे सभी जवानों को बधाइयां दी है, साथ ही साथ इन्होंने अच्छा काम किया है, उत्कृष्ट कार्य किया, उनको प्रशस्ति पत्र भी बांटे। लगभग कितने कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया, अगर हरिद्वार की बात करें तो? और नीलकंठ, देखिए नीलकंठ का जो डाटा है वो लगभग 57 लाख का है और हरिद्वार का जो है वो लगभग 4 करोड़ का है। सर, इस बार बारिश की वजह से जो चुनौतियां आई है उसमें SDRF और अन्य विभागों ने भी जो है समन्वय स्थापित किया, उनके लिए कैसे रहेगा? देखिए SDRF तो हमेशा ही हमारी आपदा में खड़ी रहती है, बहुत ही अच्छी ड्यूटी करती है, इस बार भी की उन्होंने। पर जो बारिश की वजह से जो बाढ़ आई ना, उससे हमारे सारे पार्किंग स्थल जलमग्न हो गए। बरागी कैंट पूरा पानी से भर गया, इधर पंचद्वीप साइड पूरा पानी से भर गया। तो ऐसे में वाहन सड़कों पे आएंगे पार्क में, तो रास्ते ट्रैफिक को क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ हो गया। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में प्रकृति पूजन का प्रतीक हरेला लोक पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर पूजन की परंपरा भी निभाई गई। सुबह से ही मंदिर में लोगों का तांता लगा रहा। आपको बता दें शास्त्रों के अनुसार कुमाऊं में हरेला पर्व से ही श्रावण मास और वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। इस मौके पर हरेली के तिनकों को इष्ट देव को अर्पित कर धन धान्य, दुधारू जानवरों की रक्षा और परिवार व प्रकृति की कुशलता की कामना की गई। वहीं इस मौके पर जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज भी हुआ। नगर निगम की ओर से रानीबाग चित्रशिला घाट में मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त द्वारा अपनी टीम के साथ पौधारोपण किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वन का महीना है और हरियाली पर्व के आधार पर यह हरेला मनाया जाता है, जिससे दीर्घायु की कामना हम भगवान से अपनी दीर्घायु सभी लोगों की, सभी विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर कामना करते हैं। यह हरेला पर्व मनाया जाता है और भगवान शंकर का जलाभिषेक आज के दिन से प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम तो आप सभी को और सभी हल्द्वानी के सम्मानित निवासियों को और इस प्रदेश के निवासियों को हरेले पर्व की बहुत बहुत बधाई।
हरेला पर्व हमारी संस्कृति का प्रमुख पर्वों से एक है, जो संदेश देता है कि इस धरा को हरा भरा रखना हमारे सबका कर्तव्य है। आज इसी निमित्त हम लोग विद्युत सौदाग्रह में रानी बाग क्षेत्र में लगभग 150 वृक्षों का यहाँ पर रोपण कर रहे हैं, पौधों का रोपण कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें पेड़ मिले हैं। कई प्रजातियों के पेड़ हैं, परिजात से लेकर आम से लेकर आंवले से लेकर नीम से लेकर कई प्रकार के पेड़ जो औषधिपूर्ण हैं वो पेड़ हैं। और इस विद्युत सौदाग्रह में कल को लोगों को छाया देंगे, शुद्ध वायु देंगे, सभी को लाभ देंगे। नमस्कार, हरेले की आप सभी को सपरिवार बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि उत्तराखंड का ये लोक पर्व है, इसमें बहुत मान्यता इस पर्व की है, इसको लेकर के कोई दंत कथा नहीं है। ये उत्तराखंड का बहुत एक हमारा पर्व है। इसमें मंदिरों में पूजा अर्चना और 11 दिन का हरेला बोया जाता है। पहले दिन तिमल के पत्ते बना करके बीज बोया करके 11 दिन में तैयार होता है और बंद छापरी में इसको रखा जाता है। उसके बाद जो है अपना आज सुबह से ही मंदिरों में लिपाई पुताई कर करके जो है उसके बाद हरियाला सबको देवताओं को पूजा जाता है। पूजन पूजने के बाद सब गांव वालों को पूज पाठ कर करके वहां मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के बाद सारे गांव में वितरण किया जाता है। उस हिसाब से हरियाला चलते रहता है। और रहे बात आज ये सावन का पहला दिन भी है, हम लोगों का जो पहाड़ी मान्यताओं में हिसाब से हमारा जो सावन लगा वो आज सौन एक पैठ को निभा, आज से सावन भी लग गया है। आज मंदिरों में वैसे भी भीड़ है और सावन के हिसाब से भी आज से मंदिरों में भी जलाभिषेक होता है। और इधर जो पहाड़ों में व्याप्त जो कोना वहाँ जो है आज भोग लाग से मंदिरों में जो से पूज पाठ हो हरियाव दिन पूज हो जाए, सारे गौ हरियाव मंदिर में इकट्ठे हो विवाद है वहाँ वहाँ पूजा लोग पूछ कर नान और हरियाव सब देवता चढ़ाए जाए, बहुत मान्यता हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए